अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं अपने मॉडेम से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको गूगल को कनेक्ट, जैसे ही आपका मॉडेम कनेक्टेड होगा आपके वाईफाई के साथ, तो आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है मॉडेम का गेटवे, जो कुछ भी होगा 192.168.1.1 हो या 10.1 हो, जो भी होगा अपने मॉडेम के पीछे से आपने देखना है उसका आईपी और उसे टाइप करना है। जैसे जैसे कि मेरे मॉडेम का आईपी है 192.168.10.1, जैसे मैंने टाइप किया तो इसे मैं गो का बटन दबा दूँ, ये यहाँ से मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम दोस्तों आपने बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मॉडेम हैं उनका यूज़र नेम एडमिन है, और इनका जो पासवर्ड है वो मॉडेम के पीछे लिखा होता है, 5 वर्ड का पासवर्ड होता है। तो मैं इसका पासवर्ड टाइप करता हूँ, इसे लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आपने आना है। एडवांस सेटिंग के अंदर आके आपने क्या करना है, एडवांस सेटअप को क्लिक करना है। ये देखिए, ये बड़ा सा लिखा एडवांस सेटअप, इसे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस में आते हैं तो आपने नीचे ऑप्शन देखनी है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके नीचे दो मज़ीद कॉलम खोलते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है URL फ़िल्टर। अब URL फ़िल्टर को क्लिक करें और क्लिक करके राइट पेज पे आएंगे तो ये देखें, ये कह रहा है कि वेबसाइट को एंटर ऐड करें। यहाँ पे आपने ऐड करना है जिस भी वेबसाइट को आपने ब्लॉक करना है, यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है। मिसाल है कि मैं एड्रेस डालता हूँ www, आपने www.youtube.com ये लिख के आपने सिर्फ करना क्या है, सेव अप्लाई कर देना। जैसे ही आप सेव अप्लाई करेंगे तो आपकी YouTube या कोई भी वेबसाइट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।